हेलो गाइस, दिस इज मी प्रखर एंड यू आर वाचिंग आज का जो वीडियो काफी ज्यादा पेंडिंग हो गया है। ठीक है, काफी टाइम हो गया वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो उसकी एक प्रॉब्लम थी, मेरे फोन थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो आज एक वीडियो बन रहा है, सो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसके ऊपर टॉपिक के, और वीडियो बनाना ही था, तो ये लीजिए आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। और जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग कमेंट करना है, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनना है। तो जैसे कि यहाँ कमेंट लिख के आ रहा होगा, तो इस भाई के लिए मैंने वीडियो बनाया, तो आप भी कमेंट करिए। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का टॉपिक कुछ इस तरीके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी साइकिल में, मतलब कि यहाँ तक कि किसी भी टाइप की साइकिल में आप गियर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा साइकिल का कुछ सेटअप ऐसा है, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गियर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि हमको क्या क्या टूल की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर और एक ब्लास, एक हैमर, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पूरा टायर खोलना पड़ेगा अपनी साइकिल का। कोई भी साइकिल का 15 नंबर रिंच लगती है, या फिर आप और भी इसको काफ़ी तरीके से बोलते हैं, काफ़ी लोग एक पाना भी आता है, गोल गोल होता है थोड़ा, आप बताइए आप इसको क्या कहते हैं, ठीक है, कमेंट डाउन। और जैसा कि देख सकते हैं, ये है मेरे पास शिमानो TZ की एक गियर मशीन, ठीक है, और ये है मेरे पास चेन। और गाइज, अगर आप ख़रीद रहे हैं, जैसे कि आपने ख़रीद रखा है, वैसे ख़रीदना, इसका एक बॉक्स भी आता है गियर का, ठीक है, वो ज़्यादा परचेज़ करेंगे ज़्यादा बढ़िया है। अमेज़ॉन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं गियर को। तो मेरे में आपने और वीडियोज़ में देखा होगा कि गियर था ही, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो ये फ्री व्हील ओपनर अगर है आपके पास में तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, जो सिंपल फ्री व्हील होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एक फ़ोटो आ रही है, ठीक है, सिंपल जो फ्री व्हील सबकी साइकिल में लगा होता है, इसको खुलवाने के लिए आप साइकिल वाले के यहाँ चले जाइए। अगर आप खोल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसको खुलवा के फ्री व्हील को रख के कुछ इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल था, तो मैं इसका नहीं दिखा सकता कैसे करना है। और डब्बे में आपको मिलेगा शिफ्टर, शिफ्टर की फ़ोटो इधर आ रही होगी जिसे आप शिफ्टिंग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि शिफ्टर दो तरीके के, एक तो शिफ्टर आते तो काफ़ी तरीके के हैं, जो नॉर्मल हैं वो दो तरीके के हैं। एक एक्सलेटर वाला देख सकते हैं आप इधर, एक एक्सलेटर वाला आता है शिफ्टर जो कुछ इस तरीके से चलता है, और एक आता है आपका क्लिपिंग वाला, जैसे कि मेरे में इंस्टॉल्ड है, इसकी फ़ोटो यहाँ आ रही होगी, ये मेरी साइकिल में इंस्टॉल्ड है, ठीक। सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वाला लेना, वो एक्सलेटर वाला मत लेना, बहुत जल्दी ख़राब होता है, ठीक, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपना, वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। अगर आपके पास वो वाला शिफ्टर ले रहे हैं आप, ये वाला तो बेस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि आप शिफ्टर को आप आराम से इंस्टॉल कर लेंगे हैंडल में, और वायरिंग उसमें लग के आएगी, तो वायरिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, वायरिंग एकदम आराम से लेके आ जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना। तो सबसे पहले आप देख लिए ये वायरिंग कुछ इस तरीके से आ रही है। सबसे पहले आपको अपने शिफ्टर को वहाँ पर डाल देना है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ शिफ्टर पहले से इंस्टॉल्ड है, आपको ये शिफ्टर को लगा देना है, ठीक, और वायरिंग पहले से आएगी, बस इनर डाल के आपको वायरिंग को कुछ इस तरीके से लाएंगे। देखिए ये गियर वायर इधर से इधर आ रहा है, सबसे पहले वायरिंग कर लीजिएगा, उसके बाद में हमको ये गियर को मशीन को लेना है। इसमें एक ये स्क्रू आता है, इसको आप ओपन करिए, और इसको आपको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये जो ये चीज़ है, इसको यहाँ पे रखना है। किसी किसी में ये स्क्रू नहीं भी आता है, और किसी के में ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे आने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ क्या करना है। फिर आपको पूरा टायर को डाल देना है, जैसे कि तो
गाइस देखिए, आपको टायर कुछ इस तरीके डाल देना है और ये फ्री व्हील को आप इंस्टॉल कर लें पहले ही। उसके बाद में आपको गियर मशीनों को इस तरीके से लगाना है, देख सकते हैं आप। अगर आपके में नट वाला ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस नट को लगा के इसको गियर मशीन को टाइट कर सकते हैं। तो मेरे में ये ऑप्शन है तो मैं सबसे पहले इस नट को लगा दूंगा। आपके मगर ये नट है तो इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। ये देखिए, इसको आप टाइट करके लगा देंगे तो यहाँ फिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। और सबको मैं आप बता दूँ कि ये जो वो होता है ये पहले से ही आपका सेट होके आता है मैन्युफैक्चर जहाँ पे होता है, तो इसमें आपको यहाँ पे दो नट मिलेंगे तो उनको छेड़ना नहीं है आपको, ये इसको जैसा है वैसे ही आपको इंस्टॉल करना है जैसे ये आया है। उसके बाद में आपको व्हील को इस तरीके से इंस्टॉल करना है। आपने टायर को पूरी तरीके से टाइट कर देना, आपको फिक्स कर देना। सो गाइज, अब हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, व्हील को इंस्टॉल कर दिया, अपने गियर मशीन को इंस्टॉल कर दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आइए। तो आपका जो वायर है इसको यहाँ से इधर कुछ इस तरीके से डालना है, ठीक है, इसके अंदर से। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नट का ऑप्शन दिया गया है, फिर इसको इसके अंदर से डालना है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप गियर इंस्टॉल कर रहे हो तो जहाँ से शिफ्टिंग होती है वहाँ पे सिक्स्थ गियर आपको सेट करके रखना है, सिक्स्थ गियर, ठीक है। इस कार को हम टाइट करेंगे, इसको खींच के काफ़ी टाइट कर लीजिएगा, इसे गियर पर डाल के। देख सकते हैं आप, ये टाइट कर दिया मैंने। और ये बात और ध्यान रखनी है कि ये देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पे एक ऊपर व्हील मिलेगा और एक यहाँ पे एक व्हील होता है। सो ये व्हील की पोजीशन आपके यहाँ सिक्स, जो आपका लास्ट गियर है, सिक्स है, सेवन है, या एट है, नाइन है, उसके बिल्कुल जस्ट सामने होनी चाहिए, ठीक है। और आप इसको हाथ से प्रेस करिए कुछ इस तरीके से, यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका हमारा फर्स्ट गियर है वहीं तक ही जा रहा है। अगर उसके आगे जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, व्हील में आपका लड़ सकता है। तो ये देखिएगा, अगर आपका ये नहीं है सिक्स गियर पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं दो आपको नट मिल जाते हैं, एक हाई होता है एक लो होता है, तो आप उसको वहाँ से सेट कर सकते हैं। मेरा एकदम सेट है, वैसे ये लो का होता है और ये ऊपर हाई का होता है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, तो गाइज अब हमको अपने इंस्टॉल करनी है चेन, ठीक है। चेन मैं बता दूं कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसकी चेन अलग तरीके की आती है। अगर आपके पास पुरानी चेन है तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको एक पतली चेन आती है उसी से ही गियर आपका ढंग से वर्क करेगा। इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है, आपको इस तरीके से लेके जाना। देखिए आप, सिंपल है, ठीक है। अब आपको गियर में कैसे चढ़ाना मैं बता दूँ आपको, सिक्स गियर पे रख के चेन को, और चेन को इस सबसे नीचे वाले व्हील पे डाल के इसके अंदर से निकालते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए, ठीक है। और ऊपर टॉप वाले व्हील पे ले जाके यूं, ये देखिए, जब आप इसको ले जाएंगे देखिए ये रहेगा, और उसके बाद आपको चेन को जोड़ देना है।
गाइस देख सकते हैं आप लोग, हमने चेन को इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, गियर का सेटअप कर लिया। अब शिफ्टिंग करते हैं, जो आगे शिफ्टर लगा होता है उससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो गाइस देखा आपने, अभी ये जो गियर था ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसको करना क्या है, हल्का से इसको ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको यहाँ से हल्का सा टाइट कर देंगे तो ये ऊपर जाने लगेगा। हाँ तो गाइज आज की वीडियो अब आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ पे नेम लिख के आता ही होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर तक दे रखा है। तो ऐसे यार प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करना तो बनता है, लेकिन थोड़ा टाइम देख के कॉल करा करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको फटाक से जाके लाइक मार दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेशियो आ रहा होगा, ठीक है। तो काफ़ी कम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, तो यार ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।